दोस्तों इस वीडियो में बात करना है कि भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत जो GDS पद के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म तो सभी लोग कंप्लीट कर दिए हुए हैं। इस वीडियो बताने वाले कि आप फॉर्म को स्टेटस कैसे चेक करेंगे, यानी अप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि आपका अप्लीकेशन है कम्प्लीट हुआ कि नहीं, कम्प्लीट है कि इनकम्प्लीट है, और इसी प्रोसेस के माध्यम से भी फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो बन रही है, अगर चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इसी तरह से डेली अपडेट देखने के लिए। सबसे पहले इसका वेबसाइट पे चलेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए फी स्टेटस का एगो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, यानी पेमेंट आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं इसका स्टेटस आपको बताएगा। यहाँ पर देखें अप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वाला में जाएंगे और यहाँ पर देखिए अप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका फॉर्म भरते वक्त जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा आपका मोबाइल पर ईमेल पर आपका मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाता है जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है और यहाँ पर सबमिट करेंगे तो फॉर्म जो है आपका कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है, आप इसी प्रोसेस के माध्यम से चेकआउट करेंगे। ये आपका सिंपल तरीका है, ठीक है। आप इस वेबसाइट पर चलेंगे, अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन वाला में जाएंगे और यहाँ पर अप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, फॉर्म को है स्टेटस चेकआउट कर लेंगे, ठीक है, कि आपका फॉर्म कम्प्लीट हुआ कि नहीं, आपका फॉर्म और फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट जब किया जाएगा तब इसी प्रोसेस के माध्यम से चेकआउट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।